नवागत पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत सोमवार को सोनकच्छ अनुभाग की थाना क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सोनकच्छ भवरासा पिपल रवा टोक खुर्दा टोक कला चौकी चौकी चौबारा धीरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय पत्रकारों ने एसपी गहलोत का स्वागत किया और उन्हें उनके पदभार ग्रहण के लिए बधाई दी। एसपी गहलोत ने त्योहारों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिस कर्मियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। उन्होंने जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया। एसपी गहलोत ने कहा कि जनता का भरोसा पुलिस पर कायम रहे, इसके लिए विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आने वाले त्योहारों के दौरान सभी थाना क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में तत्पर है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत द्वारा बताया गया है कि ज्वाइनिंग के उपरांत जिले के सभी थानों का एरियो का भ्रमण किया जा रहा है, फील्ड में ग्राउंड लेवल पर जो परिस्थितियां हैं उनका जायजा ले सके, हमारे स्टाफ से बातचीत कर सके, क्षेत्र की समस्याओं का किस तरह से निराकरण किया जा सके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके, ताकि आगामी दिनों में क्षेत्र की बेहतरी के लिए, क्षेत्र की पुलिसिंग की बेहतरी के लिए हम प्रयास कर सके। अभी तक जितना भी काम पुलिस और प्रशासन द्वारा जिले में किया गया वह सराहनीय है। हमारा पूरा जोर रहेगा कि जो व्यवस्था अभी तक कायम रही है वह कायम रहे, अपराधों पर नियंत्रण रहे, अपराधियों में पुलिस का और कानून का भय रहे। इसके अलावा क्षेत्र विशेष के जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उनके बारे में भी हम तत्काल समूल निराकरण करने का प्रयास करेंगे। ज्वाइनिंग के उपरांत लगातार मैं जिले के सभी थानों का और जिले के एरिया का भ्रमण कर रहा हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि फील्ड में ग्राउंड लेवल पर जो परिस्थितियाँ हैं उनका जायजा ले सकें, हमारे स्टाफ से हम बातचीत कर सकें, क्षेत्र की क्या तासीर है, वहाँ की क्या समस्याएं हैं, उनका क्या संभावित निराकरण हो सकता है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें, ताकि आगामी दिनों में जो क्षेत्र की बेहतरी के लिए, क्षेत्र की पुलिसिंग की बेहतरी के लिए हम प्रयास कर सकते हैं वो किया जा सके। देखिए, कानून व्यवस्था ऑलरेडी स्थापित है, अभी तक जितना भी काम देवास ज़िले में पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है सराहनीय, हमारा पूरा जोर रहेगा कि जो व्यवस्था अभी तक कायम है वो कायम रहे, अपराधों पर नियंत्रण रहे, अपराधों पर रोकथाम रहे, अपराधियों में पुलिस का भय रहे, कानून का भय रहे, जो प्राथमिकताएँ बेसिक पुलिस की रहती हैं वही प्राथमिकताएँ हमारी आने वाले दिनों में रहेंगी। इसके अलावा क्षेत्र विशेष की जो समय समय पर आने वाली ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनके बारे में भी हम तत्काल निराकरण करने का, समूल निराकरण करने का उनका प्रयास करेंगे। सोनकच्छ तहसील से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट।